विश्व प्रसिद्ध उर्स मेले से पहले दरगाह कमेटी व पुलिस प्रशासन अपनी तैयारियों को तेज कर रहा है। इसी के तहत तीसरी आग कहे जाने वाले सीसीटीवी कैमरे को सही कराने पर जोर दिया जा रहा है। अजमेर दरगाह क्षेत्र में दरगाह कमेटी व अभय कमांड सेंटर के कुल 79 कैमरे लगाए गए हैं, जिसमें से एक कैमरे को शुरू कर दिया गया है। अभी भी 8 कैमरे ऐसे हैं जो खराब हैं। इन्हें लेकर पुलिस द्वारा दरगाह कमेटी को पत्र लिखकर जल्द से जल्द सही कराने की मांग की गई है। दरगाह थाना प्रभारी हिमराज सिंह ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे महत्वपूर्ण साबित होते हैं, इसीलिए उससे पहले सभी कैमरों को सही कराया जा रहा है और पिछले एक महीने में 20 से अधिक कैमरे सही किए गए हैं। वहीं 8 कैमरों को जल्द ही सही कराने की मांग की गई है, जिससे कि अभय कमांड सेंटर के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और सुरक्षा को लेकर पुख्ता किया जा सके। परिसर में कितने कैमरे लगे हुए हैं, कितने चालू हैं, कितने दरगाह कमेटी की तरफ से, कितना पुलिस प्रशासन की तरफ से? इस समय दरगाह में और दरगाह के पेरीफेरी में 79 कैमरे लगे हुए हैं, जिनमें से 71 चालू हैं। उनमें से 50 दरगाह कमेटी के लगाए हुए हैं और 29 कैमरे अभय कमांड सेंटर से लेके हमने लगाए हैं, जिनमें से 5 PTZ हैं। टोटल 4 दरगाह कमेटी वाले हैं, वो अभी बंद हैं टेम्परेरीली, और 4 जो अभय कमांड वाले हैं, लेकिन उनको शीघ्र ही ठीक करवाने के प्रयास हो रहे हैं। उस सामने है, उससे पहले किस तरीके से और तैयारियां की जा रही हैं? उसके पहले मैं आपको निवेदन करूँ कि अभी एक महीने पहले की बात करें तो करीब 20-25 कैमरे खराब थे या कुछ सही वर्किंग नहीं कर रहे थे। आज की तारीख में 71 अच्छी कंडीशन में चल रहे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग सही हो रही है, उनकी पोजीशन हमने सही कर दी है, काफ़ी कुछ सुधार किया। कितने कैमरे अभी बाकी हैं जो सही होना है, जो दरगाह कमेटी के और पुलिस प्रशासन के मिले हुए? जो 8 कैमरे हैं जो किसी कारण से अभी सही ठीक से नहीं चल रहे हैं, जिनके लिए दरगाह कमेटी ने टेंडर भी दिया हुआ है और आदमी काम भी कर रहा है।